नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स में। और आज हम दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से आपको टमाटर का भाव और आलू का भाव ये भी बताएंगे कि क्या वृद्धि हुई, क्या कमी आई और आगे क्या अनुमान है, टमाटर के और आलू के भाव बढ़ेंगे या घटेंगे या स्थिर रहेंगे। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं। प्रमोद तिवारी, बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स में। सर, इस समय आलू प्याज तो आसमान छू रहा है, 60। टमाटर सर इस समय 70-80 रुपये तक है, 2200 क्रेड है। बॉम्बे का टमाटर 2800 है, 1600 भी है। नहीं, महंगाई तो जिस मुताबिक पहले थी उस मुताबिक तो इस समय बारिश का भी मौसम है, गाड़ी पूरी अवेलेबल नहीं हो पा रही मंडी में, इस चक्कर में थोड़ा टमाटर महंगा भी चल रहा है। इस समय सर बॉम्बे का टमाटर है, बेंगलोर का भी है सर, 2800-2700 रुपये बेंगलोर का है। आलू भी सर इस समय 40-35 रुपये ऐसे चल रहा है सर, ये 1000-800 रुपये 12 कट्टा चल रहा है 50 किलो का सर। हाँ, आलू भी कई रेट का सर, आलू भी महंगा है, पहले के मुताबिक जिस हिसाब से पहले मिलता था उस हिसाब से काफ़ी महंगा है इस समय बारिश की वजह से। यस सर, टमाटर भी यही सर, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, गाड़ी पूरा मंडी में अवेलेबल नहीं, ऊपर 1-2 गाड़ी आती है, इस चक्कर में थोड़ा टमाटर में उछाल देखने को मिल रहा है इस समय। सर बारिश होगी तो बढ़ना तो जायज़ है, बढ़ सकता है। बाज़ार का उतार चढ़ाव और हर कमोडिटी के भाव में उतार चढ़ाव की हर अपडेट पर पैनी नज़र के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स। बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं मोइन गनी, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से।